Hi guys, good morning. Welcome back to the channel. Today is day 3 in Manali. Today's plan is कि आज हम सोलांग वैली जाएंगे एंड वहाँ पर आइस में बहुत सारी मस्ती करेंगे बिकॉज नॉर्मली वहाँ पर आइस रहती ही है. सो सम स्नो वाले स्पोर्ट्स करेंगे एंड हम सिपिंग माय हॉट हॉट कॉफ़ी है. आपको अपनी बालकनी का व्यू दिखाती हूँ, कितना मस्त व्यू है. लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. तो गाइज हमने जर्नी स्टार्ट कर दी है डे 3 की एंड अब देखते हैं. हाथ पूरे सन हो गए हैं हमारे, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो है. लेट्स सी ट्रैफिक ना मिले हमें. वैसे तो पूरे रास्ते में ही आपको ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी जिसमें आपको ऐसे कपड़े मिल जाएंगे ठंड वाले, ताकि आपको स्नो से बचाएं. लेकिन अगर आप नीचे से लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड ये आपको सिर्फ 200 रुपीज़ रेंट पे मिल सकते हैं. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लोग यहाँ पे 5 बजे से लाइन लगाना शुरू कर देते हैं. हम देखिए ये ट्रैफिक, लाइन लगी हुई है ऊपर जाने के लिए. मनाली की जिप लाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट जिप लाइन इन मनाली. तो एक यहाँ से ये जा रही है डाउन देयर, दैट इज द बोर्ड टेलिंग लॉन्गेस्ट जिप लाइन इन मनाली. ये भी एक जिप लाइन जा रही है बट दैट इज टुवर्ड्स दैट साइड एंड नीचे पानी बह रहा है. और हमें कहीं वहाँ जाना है, वहाँ उस पर्वत पर, दैट साइड सोलांग वैली. तो मैंने सोचा इट्स बेटर टू वॉक लाइक दीज पीपल, तो हमने वॉक करना शुरू कर दिया. फर्स्ट व्यू ऑफ स्नो, आई मीन टू से जब हमने स्नो पे कदम रखे. वाओ, ट्रैफिक देखो आप, ये लॉन्ग वीकेंड का ट्रैफिक है. हम लोग 8 बजे निकले थे और अभी बज रहे हैं 11:30. तो सोचिए इतने घंटे सिर्फ 10 किलोमीटर गाड़ी चली है. अभी भी टाइम है, अभी भी 2 किलोमीटर बचे ही हैं. एंड फाइनली वी रीच्ड, पहुंचते ही हमने पहले पेट पूजा करी. देन हमने बहुत सारे स्नो स्पोर्ट्स किए. ट्यूबिंग वॉज द फर्स्ट. आई देन ट्राइड स्लाइडिंग डाउन विदाउट द ट्यूब एंड दिस इज वॉट हैपन टू मी. चलना पड़ रहा था मुझे लिटरली.
On the other hand, this is what happened with him. The second was the snow scooter, what we tried. एंड बर्फीले पहाड़ों के बीच स्नो स्कूटर पर राइड लेने में मुझे बड़ा मज़ा आया। बाय द वे, दिस इज माई फर्स्ट टाइम ऑन स्नो स्कूटर। नेक्स्ट इन लाइन इज जिप लाइन। तो जिप लाइन में जाने से पहले यू हैव टू वेयर दिस गियर। बैठ जाओ मैम, सिट डाउन। भैया गिरेगा तो नहीं ना? नहीं है? जी मैम, एक हाथ से पकड़ के रखा ना, एक हाथ से वीडियो बनाना। तो ये जो भैया है ना, जो हमारे गाइड हैं, उनने बहुत ही अच्छा काम किया। जिप लाइन में बहुत ज़्यादा रश था, उनने हमारा नंबर सबसे पहले लगा दिया। मैं आपको उनका इंट्रो करवाती हूँ। यस, ही इज़ हियर ओनली। बहुत ज़्यादा रिस्की है भैया। हाय बोल दो कैमरे में। हेलो भैया, अपना नाम बता दो। योगी। ये योगी भैया हैं, हमारे गाइड हैं आज के लिए। एक्टिविटीज यही करा रहे हैं। एंड इस जगह तो मुझे इश्क मूवी का सीन याद आ गया। राम 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 राम। देखिए, भरमार के लोग हैं। एटलीस्ट 10,000 व्हीकल्स आई हैं आज। हमने 8 o'clock इन द मॉर्निंग स्टार्ट किया था एंड वी रीच्ड हियर एट अराउंड 12 o'clock। एंड डिस्टेंस पता करेंगे तो इट इज़ ओनली 10 kilometers। दैट्स इट। देखिए, दिस इज़ द रीज़न सो मैनी टूरिस्ट। वी हैव पैराशूट्स ऑल्सो देयर, पैराग्लाइडिंग। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। पहाड़ों में सबसे ज़्यादा क्या खाने को मिलता है? मैगी। तो यहाँ पर भी हमें देखिए, गर्मा गर्म मैगी खा रहे हैं। एंड मिस्टर हस्बैंड इज ऑलरेडी एट द जॉब। पहाड़ों के बीच में वो दूर दिख रहा है सारी बर्फ एंड मैगी। So the last sport what we are going to try right now is this, skiing. I tried my best, couldn't, so started walking. Come sir. Majoo mein energy, zor se push karna hai aage ko. Ma'am to walk kar rahe hain. एंड आप इतनी बार गिरते हो, घिरते हो, देखिए। एंड देन माई गाइड हैड टू मेक मी स्की लाइक दिस। एंड मोर एक्सीडेंट्स। हाय, हाउ आर यू फीलिंग?
good. You're really good in this. Nice try. एंड आइस में अगर आपने बैलेंस बना के नहीं रखा तो खड़े खड़े भी गिर सकते हो लाइक दिस. And then we made a sweet little snowman. So it seems there are two fields. ये ऊपर की तरफ एरिया है तो यहाँ पर ज्यादा स्नो है. It's around 4 o'clock now and we are heading back towards Manali. And those are the people still going towards Sulang Valley. And then we visited this cafe, Cafe 1947. मैंने इस कैफे के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था. And this is located by the riverside, surrounded by mountains. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh. अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं. दिस इज मनाली का वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट विच इज मॉल रोड. और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है. दीपक राय को यहाँ पर शर्मा कॉफी चाहिए. झांसी वाली मनाली में झांसी वाली शर्मा कॉफी कौन देगा? जो बैंगलोर में फेमस है. जो बैंगलोर में फेमस, हाँ फ्रेंड्स आए थे तो उनने कर दी थी. आधे फ्रेंड्स तो झांसी गई हैं. हाँ वो भी बात अलग है. तो हमारा प्लान था कि हम अटल टनल भी देखेंगे बट ड्यू टू इतने सारे लोग एंड लॉन्ग वीकेंड अटल टनल वॉज क्लोज तो उसका प्लान तो कैंसिल हो गया. And Atal Tunnel is somewhere around 15 kilometers from Sulang Valley and ज़्यादा time नहीं लगता वहाँ पर पहुँचने के लिए but वो बंद थी मेरा bad luck. क्या कर सकते हैं. कितने दिनों बाद ये कॉफ़ी मशीन देखी. शादियों में देखते थे बचपन में. शर्मा कॉफी भी देखती. हाँ वो भी कॉफ़ी. So guys, it was a wonderful day
आई एंड माई व्लॉग हियर ओनली. थोड़ा सा जिस्ट दे देती हूँ. हमारा एक्चुअली प्लान था कि हम अटल टनल भी इस ट्रिप में कवर करेंगे, बट अटल टनल क्लोज था बिकॉज ऑफ लॉन्ग वीकेंड. एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मनाली के बारे में जो वीडियोस डाले हैं कि मनाली इज़ वेरी रिस्की, ये वीडियो देख कर ही मनाली आए हैं. भी मनाली में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज स्नो इतनी ज़्यादा नहीं है, पिघल चुकी है. एंड यू कैन सी इन वीडियोस वाटर ड्रिपिंग. तो अगर आपको यहाँ पर जितना भी एक्टिविटीज़ करना है सोलांग वैली में, प्लीज़ डोंट बुक अपना एक्टिविटीज़ नीचे से ही. आपको बुक करना है तो ऊपर जाकर ही अपनी एक्टिविटीज़ बुक करिए, बिकॉज वहाँ पर आप ज़्यादा बार्गेन कर लेंगे एंड ज़्यादा स्पोर्ट्स कर पाएंगे. गाइज, आई एंड माई व्लॉग हियर ओनली. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा हो, एंड कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई भी डाउट्स हो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.